सिस्ट ट्विंकल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है एलटी ग्रेड से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितना एक एज रिलैक्सेशन है, एज लिमिट कितनी है मैक्सिमम और मिनिमम, और इसमें आपके लिए कौन सा सिलेबस है। चलिए मैं आपको एक सिंगल वीडियो में इन शॉर्ट सब कुछ डिटेल बताने वाली हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक अपडेट आप तक पहले पहुँचती रहे, थैंक यू। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं एज की, कि मिनिमम मैक्सिमम एज क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए तो जो जनरल की मिनिमम है वो है 21, मैक्सिमम जो है वो है 40, और जो एक एज रिलैक्सेशन मिला है तो एक एज रिलैक्सेशन ज़ीरो मिला है जनरल वालों को, ठीक है। एससी और एसटी, ओबीसी और स्किल्ड में मिनिमम होगी 21, मैक्सिमम है 45 एज, और एज रिलैक्सेशन है 5 इयर्स का, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड एक्स आर्मी मैन के लिए 21 एज मिनिमम है, मैक्सिमम एज है 55, और एज रिलैक्सेशन जो है 15 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। ये एज रिलैक्सेशन 15 इयर्स का है। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो एज मतलब जिनकी 21 साल की उम्र जो है 1 जुलाई तक होनी चाहिए, ठीक है, जिनके 21 इयर्स का है, और जो उनकी 40 इयर्स एज है तो 40 इयर्स एज जो है 1 जुलाई तक ही होनी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा क्रॉस ना हुई हो, 40 इयर्स क्रॉस नहीं किए हों, ठीक है। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, क्या चाहिए होता है इसके लिए। तो आपको चाहिए होगा बीएड, ठीक है, और क्या चाहिए होगा बीपीएड, ठीक है, बीएड और बीपीएड चाहिए होगा, ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। और हाँ, बैचलर डिग्री सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, जो आपकी बैचलर्स में जो डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग। अब मैं आपको बता दूँ कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिनकी वैकेंसी आएगी। ये सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हिंदी, इंग्लिश, म्यूज़िक, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, आर्ट्स और संस्कृत, होम साइंस, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि जो जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन होंगे, जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30 मार्क्स के, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 30, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 30 और 30 मार्क्स के। और जो मेन सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट्स के आपको डालना है, तो मेन सब्जेक्ट जो होगा, कंसर्न सब्जेक्ट जो होगा मेन, वो होगा 120 क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड, और 120 मार्क्स के होंगे, ठीक, यानी कि 150 टोटल क्वेश्चंस होंगे, 150 टोटल क्वेश्चंस होंगे, और आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा पेपर के लिए फॉर एग्ज़ाम, ओके। इफ़ यू वांट वीडियो, मैं सिलेबस पे वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन पहले बता दीजिए आपको सिलेबस के लिए चाहिए कि नहीं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा यदि आपने अभी तक नहीं किया हो।